सोचो कैसे 2 से 3 घंटे काम करके इंस्टाग्राम पे आप 700 से लेकर 1000 रुपए बना सकते हो। इवन इसे बहुत ज्यादा बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके क्वालिटी पे। कौन सी क्वालिटी, कैसी क्वालिटी, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में आगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इंस्टाग्राम से कैसे रनिंग करें और कैसे 2 से 3 4 घंटे काम करके काफी अच्छा खासा 700 से 1000 रुपए अगर इंडिया में हो आप अगर अर्न करो तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय नेम इज टी एंड आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल गाइस। सो दोस्तों हम बात करने वाले आज इंस्टाग्राम के बारे में, फुल ऑन इंस्टाग्राम के बारे में कि कैसे आप इसे 700 से 1000 रुपए निकाल सकते हो। इससे पहले भी मैंने काफी सारी ट्रिक्स बता रखी है ऑन आवर चैनल कि इंस्टाग्राम को कैसे सेट करते हैं। इंस्टाग्राम से अर्निंग करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जितना आप फोकस करोगे उतना आपको चीजें समझ में आने लगेंगे और आप इंस्टाग्राम के अर्निंग में आगे बढ़ने लगोगे। तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोज पड़ी, आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको अर्निंग करना है कम से कम 30 से 50 लाख रुपए एवरी मंथ तो आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेगी, उसमें से आपको दोनों लिंक्स को देखना है और आपको समझ में आएगा कि आप कैसे 50 से 30 लाख रुपए बहुत ही ईजी अर्न कर सकते हो ऑनलाइन। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो इंस्टाग्राम के, तो हम सीधे इंस्टाग्राम पे चलेंगे। सो यहाँ मैंने एक पेज खोल रखा है, तो एज यू कैन सी हियर एक पेज खोल रखा है मैंने मोटिवेशन मंडे। तो गाइज मोटिवेशन मंडे क्यों खोल रखा है मैं वो आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद भी एक हैशटैग पे मैंने पूरी खोल रखी है, पूरी पोस्ट खोल रखी है और उसका नाम है मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों के लिए 2 पेज मैंने खोल रखा है। इसके बाद और भी पेजेस खोले जा सकते हैं लेकिन यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते होगे या कुछ भी करते एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ भी करते होगे, किसी भी नेटवर्क पे होगे, डिजिटल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर सेल करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, शायद JVG हो गया, क्लिक बैंक में भी होता है तो क्लिक बैंक हो गया और आपका एक और है वॉरियर प्लस हो गया, ठीक है। तो वहां पर देखना जब भी आप देखोगे फेसबुक एंगेजमेंट कोर्स, तो वहां पर आपको एक कोर्स दिया जाएगा जिस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि आपको ये कोर्स $29 का है, $29 का, ठीक है। और अगर आप लोगे तो आपकी इससे फेसबुक एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। फेसबुक एंगेजमेंट क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस इसको बोलते हैं फेसबुक एंगेजमेंट, ठीक है। 26 लाइक 25 कमेंट्स, कमेंट्स इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऐसे करके हर पोस्ट में आप देख सकते हो कुछ ना कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ शेयर्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फेसबुक एंगेजमेंट। 27 कमेंट 24 लाइक्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेसबुक एंगेजमेंट। तो ये कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे होता है कि आप बहुत ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो फेसबुक, तो इसके लिए कुछ कोर्सेस आते हैं वो आपको $27, $26, $29 में मिलते हैं, ठीक है। तो उस कोर्स में होता है क्या, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ बोर्ड पे ले जाके। सो एक्चुअली गाइस क्या होता है उस कोर्स में, होता ये है कि आपको कुछ पोस्ट दिए जाते हैं जो मोस्ट इंगेजिंग पोस्ट रहते हैं। जैसे मैंने कुछ पोस्ट डाल रखे हैं तो वो कुछ इंगेजिंग पोस्ट हैं, ठीक है। सो उस पोस्ट में उसमें क्या किया जाता है, आपको ऐसे बहुत सारे पोस्ट दिए जाते हैं, आई थिंक 20-25-50 पोस्ट दिए जाते हैं और उसमें आपको शेड्यूल बताया जाता है, ठीक है। शेड्यूल यानी कब आपको डालना है, कब उस पोस्ट को आपको अपलोड करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसमें ताकि आपका इंगेजमेंट बेटर हो सके, ठीक है। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम में भी लोग क्या करते हैं, मोस्ट इंगेजिंग पोस्ट को सेल करते हैं, मोस्ट इंगेजिंग वीडियो को सेल करते हैं। और वो लोग जो बाहर के हैं वो इसको इजिली $29, $20, $25 में खरीदते हैं। लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप उतना ज्यादा शुरू में ही बेचने लगो, आप $10 से स्टार्ट करो, आप $30-35 तक उसको बेच सकते हो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, $30-35 तक आप बेच सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ सर्च करने पड़ेंगे, कुछ अच्छे पोस्ट सर्च करने पड़ेंगे और उसको आपको एक डॉक में रखना पड़ेगा। गूगल डॉक की बात कर रहा हूं मैं, जैसे आप गूगल में टाइप करके गूगल डॉक तो वहां पर आपको मिल जाएगा गूगल डॉक, आई थिंक बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे। तो गूगल डॉक में आपको वो सारी पोस्ट रखनी है और जब आप उसको सेल करने निकलोगे तो गूगल डॉक का लिंक आपको लोगों को देना है, लोग डाउनलोड कर लेंगे और आप ऐसे करके उनको सेल कर दोगे। और रही पैसे की बात, तो पैसे कैसे एक्सचेंज करोगे, लोगों का ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो उसके लिए आप पेपाल यूज कर सकते हो, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए पेयर यूज कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है आप पे। और अगर आप लोकल सेल कर रहे हो तो उसके लिए पेटीएम फोन पे एंड बहुत सारे बैंक बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी तरह से आप पेमेंट ले सकते हो, हर पेमेंट सेफ है, बस आपको सही से चीजें करनी है, ठीक है। तो पेमेंट का आप मैंने सॉल्व कर दिया है आपका क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है गूगल डॉक में, जहां पर आपको सारी चीजें कलेक्ट करनी है, रखनी है, जो बहुत ज्यादा ईजी होता है, मुझे नहीं लगता कि इसको बताना चाहिए। तो गूगल डॉक आप
क्या बोलते हैं साइन अप करके, और डायरेक्ट जीमेल से साइन अप होता है गूगल डॉक, साइन अप करके वहां पर आप अपनी चीजों को कलेक्ट कर सकते हो और वो लिंक लोगों को दोगे, अपने कस्टमर को दोगे, वो डाउनलोड करेगा और वो आपको पैसे पे करेगा, ठीक है। इसका एक ये सिस्टम बना सकते हो। दूसरा सिस्टम ये है कि इंस्टा मोजो। इंस्टा मोजो एक ऐसी चीज है जहां पर आप कोई भी चीजें सेल कर सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ ई बुक सेल होते हैं और इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, पेमेंट प्लेटफॉर्म, पेमेंट प्लेटफॉर्म एज अ यूज किया जाता है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो, इंस्टा मोजो, INSTAMOJO, ठीक है, इंस्टामोजो, इजी। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो पोस्ट को फाइंड करना है। यहां मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा। तो मान लेते हैं हमारा जो नीश है वो है एंटरप्रेन्योर मोटिवेशनल, ये हमारा नीश है, ठीक है। मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, सीईओ, जिम, ये सब हमारा नीश है। नीश यानी सब्जेक्ट, किस टॉपिक पे आपका इंस्टाग्राम है या आपका फैन पेज है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नीश। तो अब हमें सर्चिंग करने हैं पोस्ट, ठीक है। ऐसे करके आपको 15-15, कम से कम 30 पोस्ट या तो 20 अच्छे पोस्ट, अच्छे क्वालिटी के पोस्ट, जितना ज्यादा आपका क्वालिटी होगा उतना ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पोस्ट जो है वो मोस्ट वायरल पोस्ट होंगे, कि पोस्ट होंगे कि आप जब बंदा पोस्ट डालता है तो उसमें बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आएगा, बहुत ज्यादा लाइक्स आएंगे, बहुत ज्यादा सेव होगा, बहुत ज्यादा रीच होगी उसकी, तो ऐसे पोस्ट के लिए आप और भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो। मैं बस आपको $10 बोल रहा हूँ क्योंकि इनिशियल में लोग जल्दी भरोसा आप पे नहीं करते, तो $10 से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं एक यहाँ खोल के रखा हूँ पेज कॉल्ड मोटिवेशनल मंडे। सो एज यू कैन सी मोटिवेशनल मंडे इज हियर, ठीक है। सो यहाँ मैं आपको सर्च करना बताऊंगा कि पोस्ट कैसे सर्च करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर आया है 3000 लाइक, 52 कमेंट्स, ठीक है, 107 कमेंट्स और 16000 लाइक, 42,000 कम लाइक एंड 52 कमेंट, ठीक है। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये थोड़ा सही है, ठीक है, 16,000 है और 107, क्योंकि आपको कमेंट और लाइक का दोनों का रेशियो देखना है रिसर्च करते समय, ठीक है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आपका आगे अर्निंग करने का, तो ये चीज याद रखना। और गाइज मैं बता दूं, बहुत सारे लोग आपको मैसेज करते होंगे, देखना कभी भी आप पोस्ट डालते हो कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और रीच बढ़ाने में, तो वो लोग यही करते हैं कि वो लोग आपको अच्छे पोस्ट देते हैं लाके कि आप उन पोस्ट को अपलोड करो और वहां से एंगेजमेंट और रीच को बढ़ाओ, तब जाके आपका जो पेज है, जो फैन पेज है, वो ग्रोथ लेगा, ठीक है। चाहे वो इंस्टाग्राम की बात हो, चाहे वो आपका फेसबुक की बात हो, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है पूरे रिसर्च पे। तो वो लोग क्या करते हैं, यहीं पर काम करते हैं कि रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत रहना चाहिए, और वो लोग यहाँ काम करते हैं और ये चीज को बार बार, मतलब एक बार ही 20-25 पोस्ट निकाल के वो चीज को बार बार 100-200 लोगों को सेल कर डालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा ईजी और अच्छा बिजनेस है। यहाँ 19.3K 148, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो। डाउनलोडर्स भी आते हैं, एक्सटेंशन आते हैं, इंस्टाग्राम फोटो डाउनलोडर, जैसे आप लिखोगे क्रोम में तो आपको मिल जाएगा, और वहां से आप इसको अपने एक्सटेंशन के द्वारा डाउनलोड कर सकते हो या सीधा सीधा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्क्रीनशॉट लेते हो या डाउनलोड करते हो। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन, तो ये जो पोस्ट है 19.3, तो ऐसे जो बैलेंस पोस्ट हैं उनको आपको चुनना है, और ऐसे करके 10, अगर आप 20 पोस्ट देते हो क्वालिटी के, तो मोस्ट क्वालिटी क्वालिफाइड क्वालिटी के 10 पोस्ट फोटो होने चाहिए और 10 वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अलग अलग पेजेस से फाइंड करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे पेजेस हैं, भरे पड़े हैं पेजेस, आप जैसे जानते ही हो इंस्टाग्राम में पेजेस भरे पड़े हैं, तो आप कहीं से भी उस पर रिसर्च कर सकते हो और वो चीज़ देख सकते हो। तो जैसे कि ये खुला है, तो ये डिपेंड करता है टोटली आप पे, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पर मैंने मोटिवेशनल कोर्स खोल रखे, तो आपको मोटिवेशनल वीडियोस लिखना है, क्योंकि 10 आपको वीडियोस लेनी है। अब वीडियो क्यों लेनी है गाइज, वो मैं आपको बता दूँ। वीडियो इसलिए आपको लेनी है कि वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होती हैं और वो आपका जो कस्टमर होगा, आपका जो क्लाइंट होगा, उसको आप अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर पाओगे। प्रोवाइड मतलब अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे कि वो आपके पास बार बार आए। तो मोटिवेशनल वीडियोस जैसे आप लोगों को यहाँ बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगे, तो इसमें से भी आपको कमेंट और लाइक का रेशियो अच्छे से समझना है, और ये भी देखना है गाइस कि कौन सा वीडियो कितना लंबा है। 1 मिनट की वीडियोस आप डाल सकते हो इंस्टाग्राम में, 59 सेकंड्स की वीडियो रहती है। अब ये देखना है आपको कि कौन सा वीडियो कितना लॉन्ग है, 30 सेकंड में कितना इंगेजमेंट है उसका, और 59 सेकंड में उसका कितना इंगेजमेंट है, और कितना लाइक है और कितना कमेंट है। सब बैलेंस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट रिसर्च करनी है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ देखो, दो दो आई थिंक ये वीडियो है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है,
तो ऐसे करके इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और इवन ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा एक पोस्ट चलते रहती है, तो उस पोस्ट को भी आप उठा के डाल सकते हो, ठीक है, उसको बहुत अच्छा बना के डाल सकते हो, पूरा डिपेंड करता है आपके रिसर्च पे। तो ये काम कर सकते हो आप, ये अच्छा वीडियो है, ठीक है, रनर टेक्स अ फॉल बट स्टिल विन द रेस, ठीक है, तो ये वीडियो है, इसको आप उठा सकते हो, नेवर गिव अप का वीडियो है, काफी अच्छा चलेगा ये। तो आई थिंक इट्स अ गुड वीडियो। तो ऐसे वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो safe.net से, आप इसका लिंक यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ ऊपर से इसका लिंक मैं कॉपी कर लूंगा, और फिर उसके बाद safe.net एक वेबसाइट है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का वीडियो हो, चाहे वो फेसबुक का वीडियो, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे करके आप इन सब को गूगल डॉक में, गूगल डॉक जो है आपका, इसमें ले जाके इन सब को अपलोड कर लेना है, 10-10 की फाइल बना लेनी है, और अगर हो सके तो आपको टाइमिंग बता देना है कि शाम को अपलोड करना है कि सुबह अपलोड करना है, ये एक बोनस में आप दे सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखी है चैनल पे, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो कि टाइमिंग कब डालना चाहिए कब नहीं डालना चाहिए, वो वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप इसको सही से करते हो तो बिलीव मी यू कैन मेक $10 per day। $10 कैसे, आपको अच्छे से हैशटैग्स का यूज करना है, जिसको जरूरत है उसके प्रोफाइल पे जाना है, कमेंट करना है, ऐसे करके मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग का पार्ट है जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं अलग अलग वीडियोस में, तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में आपको जरूरत होगी। तो मार्केटिंग जैसे सिंपल मैं आपको बता दूँ, अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और लेकिन मैं मार्केटिंग का अगर बात करूँ, तो बस आपको नीचे लोगों के जाके कमेंट करना है, स्पैम नहीं करना है, आपको ऑफर देना है, उनको डीएम्स करना है, सही हैशटैग का यूज करना है, उससे आपकी मार्केटिंग होगी और आप ज्यादा ज्यादा चीजों को सेल कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा ईजी है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगी, पूरा गेम रिसर्च का है, कोई भी क्वेश्चन तो आप इंस्टाग्राम पे या अपना फेसबुक पेज पे आप पूछ सकते हो, और कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, जय हिंद।